बच्चों के जन्मदिन पर न करे ये गलती। बर्थडे में रात के 12 बजे केक काटना लेटेस्ट फैशन बन गया है। यह बिल्कुल गलत है। अंग्रेजी कैलेंडर में रात्रि 12 बजे तारीख भले ही बदल जाती हो, लेकिन हिंदी कैलेंडर में ऐसा नहीं है। यहाँ सूर्योदय का महत्व है। रात्रि में केक नहीं काटना चाहिए। वैसे केक काटना और मोमबत्ती बुझाना भी ठीक नहीं है। संस्कार मनाने के तरीके के मर्म का बहुत महत्व होता है। बच्चे घर के दीपक होते हैं, वे सदैव दीपक की भांति प्रकाशवान रहें, परिवार के बड़ों की यही मनोकांक्षा होती है। और वहीं बच्चे जब बर्थडे केक में प्रज्वलित मोमबत्ती को फूंक कर बुझा देते हैं तो यह एक अच्छा शकुन नहीं है। हिंदू संस्कारों में अग्नि देव को सदैव प्रकट किया गया है, न कि बुझाया गया है। एक विशेष बात ध्यान रखनी चाहिए कि जन्मदिन पर बाल नहीं कटवाने चाहिए। हिंसक कार्य तो कतई नहीं करने चाहिए, यानी मांसाहार नहीं करना चाहिए। माताएं सदैव इस बात का ध्यान रखती थीं कि उनके द्वारा जन्मदिन पर बच्चे को न तो डांटा जाए और न ही मारा जाए। जन्मदिन रात में मनाने के बजाय सदैव सूर्योदय में मनाना चाहिए। सूर्योदय के बाद स्नान कर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। जन्मदिन हिंदू कैलेंडर से अवश्य मनाना चाहिए। जन्मतिथि पर माँ के हाथ से तिल डालकर दूध पीना चाहिए। इस दिन पोषक खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। जिस तिथि पर हम जन्म लेते हैं उस तिथि पर प्रवाहित होने वाली ऊर्जा हमारे शरीर में मौजूद तरंगों से सर्वाधिक मेल खाती है। इसलिए इस दिन हमें अपने बड़े बुजुर्गों या परिवार के सदस्यों का आशीर्वाद लेना चाहिए। हमारे शास्त्रों में यह उल्लेख भी मिलता है कि जिस व्यक्ति का जन्मदिन है उसकी आरती उतारी जाए। आरती उतारने से संबंधित व्यक्ति के शरीर पर मौजूद सूक्ष्म से सूक्ष्म अशुद्धियाँ भी दूर होती हैं। साथ ही ऐसा भाव रखना चाहिए कि अग्नि देव आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। बड़ों का आदर करने के बाद आपको अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए और उसके बाद ईश्वर की आराधना पूरी श्रद्धा भाव के साथ संपन्न करनी चाहिए। इस दिन किसी मंदिर में देव देवी दर्शन अवश्य करना चाहिए। जन्मदिन को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। इस दिन घर की महिलाओं को जन्मदिन से संबंधित लोकगीतों को ढोलक, मंजीरे आदि बजाकर गाने की परंपरा थी, लेकिन यह लुप्त होती जा रही है, तो कम कम ऐसे संगीत बजाने चाहिए जो शोर के बजाय मधुरता युक्त और कर्णप्रिय हो। जन्मदिन पर नए कपड़े पहनने चाहिए और कुछ दान अवश्य करना चाहिए। यदि संभव हो तो अपने वजन के बराबर किसी जरूरतमंद को अनाज दान करना उत्तम रहता है। जन्मदिन के समय आप पवित्र होते हैं और किसी भी प्रकार की अशुद्धि से दूर होते हैं, इसलिए उस दिन दान करना आपके लिए फलदायक है। रिटर्न गिफ्ट का जो चलन प्रारंभ हुआ है वह अच्छा है, उसको प्रमोट करना चाहिए। इससे बच्चों में उपहार के बदले धन्यवाद स्वरूप उपहार देने के संस्कार जन्म लेते हैं। पहले जन्मदिन यानी वर्षगांठ होती थी। इस दिन एक धागे में गांठ लगाई जाती थी। अब जितनी गांठें उतने वर्ष बीत चुके हैं। यह सिलसिला विवाह तक चलता था। विवाह के प्रथम वर्ष के जन्मदिन से उत्सव मनाना बंद कर दिया जाता था। उसको कहते हैं कि जन्मदिन उठा दिया गया, यानी फिर आगे से स्वयं का बर्थडे न मनाने की परंपरा है। अगर इसका कारण समझें तो स्पष्ट होता है कि व्यक्ति जब जिम्मेदार हो जाता है तो वर्षगांठ को वह आयु का एक वर्ष कम होना समझने लगता है। इसके पश्चात वह जन्मदिन को बहुत उत्सव के रूप में नहीं मनाता है। जन्मदिन विशेष रूप से बचपन और यंग एज में सेलिब्रेट होने वाला उत्सव है।